हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल इन योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं या नहीं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट MPC 006 ब्लॉक 3 यूनिट 4, इंटरैक्शनल इफेक्ट और इंटरैक्शन इन स्टैटिस्टिक। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अगर इसको आप डायग्राम के एंड ग्राफिक के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे और जो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरैक्शनल इफेक्ट और इंटरैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो टू वे अनोवा और 3 वे अनोवा में हम इसको यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम इन दोनों अनोवा के इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऑन दैट टाइम वी विल यूज इंटरैक्शनल इफेक्ट एंड इंटरैक्शन। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि आपको पता है, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, 2 वे अनोवा और 3 वे अनोवा में क्या होता है, 2 or more than 2 वेरिएबल्स होते हैं, तब क्या होता है, वो 2 वे अनोवा या 3 वे अनोवा होता है। ठीक है, तो उन सारे वेरिएबल्स के बीच में इंटरेक्शन इफेक्ट है कि नहीं, ठीक है, यही हम चेक करते हैं। ओके, तो हम क्या देखते हैं, इंटरेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और फैक्टर्स। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो इंटरेक्शन होता है वो होता है इंटरेक्शन बिटवीन 2 or more than 3। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड इसका इफेक्ट्स देखने को मिलता है किस पे, इफेक्ट इज मेजर्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन बिटवीन 2 or more than 2 वेरिएबल्स का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम देखते हैं, इनके हम ग्रुप के मीन्स में इंटरेक्शन देखते हैं और फिर उसके मीन्स के बेस पर हम उसके इफ़ेक्ट को मेज़र करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम थोड़ा सा और समझने के लिए ना एक पिक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ मैं, उसके थ्रू आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इंटरेक्शनल इफेक्ट होता क्या है। तो कुछ इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अगर 2 लाइंस ऐसी हो या फिर स्ट्रेट पैरेलल में हो, तो यहाँ पर क्या होगा, नो इंटरैक्शनल इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, एंड वहीं पर अगर ये जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शनल इफेक्ट है बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, इंटरेक्शनल इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो। सो बेसिकली आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, द इंटरैक्शनल इफेक्ट मीन्स ज्वाइंट इफेक्ट्स ऑफ द 2 or more वेरिएबल्स एक्टिंग टुगेदर ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक दिस। ठीक है, आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। वहीं पर इन द केस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट इंटरैक्शनल इफेक्ट क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, मतलब कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी इंटरैक्शनल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बट वहीं पर जब हम सिग्निफिकेंट होगा इंटरैक्शनल इफेक्ट, तो वहाँ पर 2 crossed lines होंगी। ठीक है, जहाँ पर इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं विद द डायग्राम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।